नमस्कार, आप सबका स्वागत है। उज्जैन में बुधवार को एक अनोखी शादी हुई। यहां दूल्हे की इच्छा पर फेरे के पहले घरातियों और बरातियों सभी ने रक्तदान किया। शादी में सबसे खास ये रहा कि दूल्हा दुल्हन ने एक ही बेड पर लेटकर रक्तदान किया। रक्तदान के दौरान दोनों मुस्कुराते रहे। दूल्हे ने कहा कि शादी के पहले कुछ अच्छा करने की इच्छा हुई, इसलिए रक्तदान का फैसला लिया, जिसका दुल्हन ने भी समर्थन किया। बुधवार को उज्जैन के तपोभूमि में मुरैना के गंगजन जैन और ललितपुर की ओसीन जैन की शादी हुई। यहां शादी की रस्में निभाई जा रही थी, इसी दौरान एक डॉक्टरों की टीम विवाह स्थल पर पहुंच गई। डॉक्टरों को देख रक्तदान से अनजान लोग चौंक गए। दूल्हे ने सभी को इनके आने का कारण बताया और फिर रक्तदान शुरू हुआ। इसके बाद दूल्हा दुल्हन सहित 160 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। दूल्हे गंगजन जैन ने बताया कि वह उद्योग विभाग में सहायक संचालक है। वह अब तक 34 बार रक्तदान कर चुका है। जब उसकी शादी ओसीन से जुड़ी तो उसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना वह अपनी शादी में कुछ अलग करे। उसने रक्तदान की अपनी इच्छा माता पिता और होने वाली पत्नी को बताई तो उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की। गंगजन ने कहा कि देश में थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों की संख्या लाखों में है, लेकिन इनके लिए लोगों में रुझान देखने को ज्यादा नहीं मिलता है। इसीलिए मेरे मन में ये विचार आया। दुल्हन ओसीन ने बताया कि मेरे होने वाले पति ने अब तक 34 बार रक्तदान किया है। शादी जुड़ने के बाद उन्होंने शादी के दौरान रक्तदान की इच्छा जताई, जिसे मैंने और मेरे परिवार ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रक्तदान महादान है। हमारे सहयोग के यदि किसी बच्चे की जिंदगी बच सकती है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। ओसीन ने कहा कि गंगजन के इस प्रयास से हमारी शादी को स्पेशल बना दिया है।